हेलो फ्रेंड्स फ्रॉम फूड सोलिंग। और मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगा। यदि आप भूटान ट्रिप के लिए आते हैं तो दो चीज़ है, एक आप बाय रोड आ सकते हैं जैसे कि मैं आया हुआ हूँ अपनी फैमिली के साथ, और दूसरी चीज़ है कि आप बाय एयर आ सकते हैं। यदि आपको बाय प्लेन आना है तो उसके लिए ड्रक एयरलाइंस यहाँ चलती हैं, ड्रूक एयरलाइंस, जिसकी बुकिंग आप सिर्फ उन्हीं के साइट से कर सकते हैं। आप गूगल कर सकते हैं एयरलाइंस फॉर भूटान, और एयरपोर्ट पारो में है। और यदि आप बाय रोड एंटर करते हैं तो आप जयगांव, जो कि वेस्ट बंगाल में है, जयगांव जो है वो लास्ट डेस्टिनेशन है इंडिया का, और फूडसोलिंग एकदम फर्स्ट डेस्टिनेशन है भूटान का। मतलब आप बोल सकते हैं कि जो आपका जो एंट्री गेट है वो फूडसोलिंग में है। तो आप जयगांव आएंगे, जयगांव से फूडसोलिंग बिल्कुल लगा हुआ है, आप मैप में भी देख सकते हैं, जस्ट एक बीच में गेट है, और दोनों जो दोनों देश हैं, मतलब हमारा इंडिया और भूटान, वो दोनों विभाजित है, और मैप में आप एकदम क्लियर कट देख सकते हैं। और आप यहाँ आते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है। सबसे पहले यदि आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले आपको चाहिए अपना खुद का ड्राइविंग लाइसेंस, अपने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन का कार्ड का फोटोकॉपी, और POC का डॉक्यूमेंट, उसके अलावा आपका वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। इसको लेने के लिए आपको यहाँ पे एक RSTA बोल के डिपार्टमेंट है, वहाँ पे जाना पड़ेगा। पर वहाँ जाने के लिए आपको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डॉक्यूमेंट जिसकी रिक्वायरमेंट है वो है आपका इमिग्रेशन सर्टिफिकेट। इमिग्रेशन सर्टिफिकेट आपको फूडसोलिंग में ही जब आप एंटर करते हैं तो राइट में उसका ऑफिस है, इमिग्रेशन का ऑफिस, वहाँ पे आपको आपका पास मिल जाएगा। पर यदि आप अक्टूबर में आते हैं तो ध्यान रखिए, क्योंकि अक्टूबर में बहुत रश रहता है, बहुत ही ज़्यादा रश है। क्योंकि मैं आज की तारीख है 9th October 2019, आज मुझे पास लेने में पूरा दिन लग गया, पूरा का पूरा दिन लग गया। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप फॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड करके उसे फिल करके उसमें प्रॉपर अपनी कलर्ड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगा के उसके साथ अपना वोटर आईडी कार्ड का फ़ोटो कॉपी का जो डॉक्यूमेंट है वो अटैच कर लें, ठीक है। अटैच करने के बाद उसे स्टेपल कर लें। पर आपको एक और चीज़ उसमें ऐड करनी पड़ेगी, और वो चीज़ ये है कि यदि आप यहाँ से पारो जा रहे हैं तो आपकी बुकिंग है, जो होटल की जो भी बुकिंग का जो सॉफ्ट कॉपी है उसको आप एक पेपर में प्रिंट करा के अपने साथ रख लें। यदि आप 5 मेंबर हैं तो आपको 5 फॉर्म लगेंगे। फॉर्म यदि आपको ऑनलाइन नहीं मिलते हैं गूगल में, तो ठीक इमिग्रेशन ऑफिस के सामने में फोटोकॉपी का शॉप है 2-3, वहाँ पे आपको मात्र 1 रुपये में फॉर्म मिल जाएगा। फॉर्म में कुछ ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना नाम, अपने फादर का नाम, अपना पर्पस ऑफ विजिट, और किस डेट से किस डेट तक आप भूटान में रहने वाले हैं उसका डिटेल आपको डालना पड़ेगा। उसके साथ ही साथ यदि आप पासपोर्ट ला रहे हैं तो पासपोर्ट का जो नंबर रहता है वो डालना पड़ेगा, नहीं तो आपको अपने वोटर आईडी कार्ड का नंबर डालना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस आपको सुनने में बहुत सिंपल लग रहा होगा, पर मुझे ये प्रोसेस कंप्लीट करने में ऑलमोस्ट 8 आवर्स लग गए। मॉर्निंग 7:30 बजे मैं लाइन में लगा था, मैं वीडियो भी डाल दूंगा आपको दिखाने के लिए, और यू कांट बिलीव कि 7:30 बजे भी मैं जब वहाँ पहुँचा लाइन लगाने के लिए तो वहाँ ऑलमोस्ट 50 families वहाँ मौजूद थे, अपना फॉर्म प्रॉपर फिल्ड अप करके विथ ट्रैवल एजेंट्स। कुछ लोगों के पास ट्रैवल एजेंट्स थे, कुछ लोग अपना सेल्फ, मैं भी जो आया था वो सेल्फ ही आया था, मैं किसी ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू नहीं पहुँचा था। तो ये है कि आप 7:30 बजे भी मैं पहुंचा तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 50 लोग थे। हम लोग लाइन में खड़े हुए थे ठीक इमिग्रेशन ऑफिस के सामने, जो फुटपाथ का एरिया, वहाँ पे खड़े हुए थे।
जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, रश और बढ़ता गया, और लाइन का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। लोग लाइन छोड़ के गेट के सामने जमा होना स्टार्ट हो गए, और होश तो उड़ गए तब जब ये पता चला कि लास्ट डे यानी कि 8 अक्टूबर 2019 को हॉलीडे था। तो जो भी टूरिस्ट 8 को पहुँचे होंगे, जो भी टूरिस्ट 7 की शाम को पहुँचे होंगे, वो भी लाइन में थे अपना पास बनवाने के लिए। उसके अलावा कुछ लोग थे जो मंडे को यानी कि 7 को ऑफिस क्लोज जल्दी हो जाने के कारण अपना काम नहीं करा पाए थे। तो आप सोच सकते हैं ऑलमोस्ट उन्हें क्या किया गया था, उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके उन्हें एक टोकन दिया गया था। उस टोकन को यूज़ करके वो आज अपना डायरेक्ट जो भी बोलना चाहिए कि अपना वेरिफिकेशन का प्रोसेस वो डायरेक्ट टोकन के थ्रू करा सकते थे विदाउट सबमिटिंग एनी डॉक्यूमेंट्स। तो ये सीन था, हम पहुँचे 7:30 बजे, ऑलमोस्ट वहाँ पे 7 के पेंडिंग जो पर्संस थे, ऑलमोस्ट 60 फैमिलीज़ वो थी, मेरे पहले 50 फैमिलीज़ और थी जो नए थे और जिन्हें पास चाहिए था। तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने होप छोड़ दिया था कि आज कुछ हो पाएगा, आज पास मिल पाएगा। बट बाय गॉड्स ग्रेस 4:40 PM यू नो ऑफिस क्लोजेस एट 5 PM, बट हमें 4:40 में हमारा पास मिला। जैसे ही इमिग्रेशन का पास मिला, आप उसी काउंटर के लास्ट में यदि जाएं तो वहां से आप सिम कार्ड खरीद सकते हैं। बाय द वे यहाँ पे हम लोग का एयरटेल का सिम और जियो का सिम किसी का काम नहीं कर रहा, हम होटल के वाईफाई के थ्रू ही व्हाट्सएप कॉल्स अपने फैमिलीज़ में कर रहे हैं। तो आप यदि आते हैं तो आपको जो सिम कार्ड है वो यहाँ का ले सकते हैं, या फिर आप इंटरनेशनल रोमिंग का रिचार्ज भी अपने फ़ोन में करा सकते हैं, पर मेरे हिसाब से वो थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा। आप यहाँ आ जाइए, यहाँ का सिम कार्ड, यदि आप 4 to 5 persons हैं फैमिली में तो आप 2 सिम कार्ड ले सकते हैं, जिसमें 210 रुपये का एक सिम कार्ड मिलता है और ऑलमोस्ट 1 GB का डाटा मिलता है उसमें, और 200 रुपीज़ का टॉक टाइम मिलता है। तो दिस इज़ अ फेयर डील। मतलब यदि आप 5-6 दिन के लिए हैं तो जस्ट टू कॉन्टैक्ट अपने फैमिली मेम्बर्स से कॉन्टैक्ट में रहने के लिए आप ले सकते हैं, या फिर किसी इमरजेंसी कॉल के लिए। एंड सेकेंड थिंग इज़ आप ऐसा होटल चूज़ करें जिसमें वाईफाई हो, तो दैट विल हेल्प यू आउट ऑलवेज। सो ये तो रहा आज के दिन का पूरा सफ़रनामा। पास लेते लेते सवेरे 7:30 से लेके 5 बज गए, RTO का काम नहीं हो पाया, यानी कि RSTA ऑफिस में हमारा काम नहीं हो पाया। अब ऐसा है कि हम लोगों ने RSTA ऑफिस के सामने में ही एक बहुत अच्छा होटल, एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है होटल फुनशोलिंग, जिसका नाम है होटल फुनशोलिंग और ये प्लेस का नाम भी होटल फुनशोलिंग है, प्लेस का नाम फुनशोलिंग है। तो बहुत अच्छा होटल है, प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, बहुत रीजनेबल रेट है। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि यहाँ पार्किंग भी है। यदि आप फुनशोलिंग सिटी साइड में कोई भी होटल बुक करते हैं तो आपको पार्किंग का 40 रुपीज़ ऑन एन आवर बेसिस देना पड़ेगा। यानी कि यदि रात भर गाड़ी खड़ी रहती है आपकी 8 से 9 घंटे, तो यू आर स्मार्ट इनफ टू कैलकुलेट 40 into 8 or 9 hours। तो पार्किंग ध्यान रखिए कि पार्किंग का होटल ही लें आप, क्योंकि यहाँ पार्किंग का भी कॉस्ट लिया जाता है। खाना आपको बहुत ठीक ठाक मिल जाएगा, थोड़ा स्पाइसी होगा क्योंकि भूटनीज़ लोग थोड़ा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। तो खाने के पहले आप ध्यान से बोल दें कि यू डोंट वांट एनी काइंड ऑफ स्पाइसी थिंग इन योर फूड। तो ये था आज का यात्रा वृतांत। दिन अच्छा रहा पर थोड़ा
थकान हो गई, हमारा पूरा का पूरा एक दिन जो था वो वेस्ट हो गया तो नहीं बोल सकते, क्योंकि हम लोगों ने कुछ गेन भी किया, कुछ सीखा भी और कुछ एक्सपीरियंस भी किया। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि यहाँ का जो जो भी फाइनेंस डिपार्टमेंट है, जो भी, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो ऐसा कोई भी कैश काउंटर या ऐसा कोई भी यूनिट जो फिनेंस से रिलेटेड है, तो वो 3 PM क्लोज हो जाता है। तो 4:40 में मुझे मेरा इमिग्रेशन वाला पास मिला, मैंने उसे तुरंत फोटोकॉपी करा के भागते भागते मैं पहुंचा RTO ऑफिस, क्योंकि आज एनी हाउ मेरे को मेरा डॉक्यूमेंट चाहिए था, क्योंकि कल मॉर्निंग मेरे को पारो के लिए निकलना है। बट वहीं जाके पता चला कि 3 बजे ये जो कैश काउंटर है, ये जो आपको टैक्स देना पड़ेगा भूटान में अपनी गाड़ी चलाने का, उसका कैश काउंटर क्लोज हो चुका है ऑलमोस्ट। तो फिर हमारे चेहरे उदास हो गए, और फिर हमें कल मॉर्निंग ए फ्रेश 9 बजे जाके अपना RTO का पास लेना पड़ेगा, और RTO के पास लेने के बाद फिर हम निकलेंगे पारो, थिम्फू और फुनाका के लिए। 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख को थिम्फू का फेस्टिवल है, तो वहाँ के सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स क्लोज हैं। तो कल हम जाएंगे पारो, कोशिश करेंगे कि हम छलेला पास यहाँ से डायरेक्ट जाएं, वहाँ से फिर पारो आ जाएं, फिर नेक्स्ट डे थिम्फू, फिर नेक्स्ट डे फुनाका, फिर बैक टू नेस्ट। तो ये रहा आज का दिन। प्लीज़ लाइक द वीडियो इफ़ यू फाइंड इट इन्फॉर्मेटिव, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज बहुत कुछ आने वाला है अभी तो। गुड मॉर्निंग फ्रॉम फुनसुलिंग, और फाइनली हमको जो RTO का पास था वो मिल गया। मच नीडेड था, क्योंकि पूरा हमको एक रात सिर्फ RSTA के पास के लिए स्टे करना पड़ा। तो फाइनली पास मिल गया है, पैकिंग हो गई है, फ्रेशन अप हो गए हैं, नाश्ता हो गया है, बस अब सीधा निकलेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी छलेगा पास कवर करके हम वापस पारो आके स्टे कर सकें। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स फ्रॉम फुनसुलिंग। फुनसुलिंग, जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया, भूटान का फर्स्ट डेस्टिनेशन है यदि आप बाई रोड आते हैं तो। फुनसुलिंग को फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है भूटान का। भूटान के बारे में कई ऐसी सारी चीज़ें हैं जो वर्ल्ड फेमस हैं, जैसे भूटान को द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन्स कहा जाता है, जिसका मतलब होता है ड्रैगन का देश, कंट्री ऑफ ड्रैगन्स। यहाँ के लोग अपने घरों को ड्रक यूल कहते हैं, जिसका मतलब होता है बर्फीले ड्रैगन का घर। 1974 तक फॉरेनर्स का यहाँ पे आना बैन था। 1974 के बाद यहाँ पर भूटान ने लोगों को आने के लिए न्योता दिया, और भूटान के पास सेना है लेकिन चारों ओर से घिरे होने की वजह से केवल यहाँ पर नौसेना ही है, बाकी वायुसेना नहीं है। पर इंडिया इसका ख्याल रखता है भूटान के लिए। भूटान का जो मेनली जो आर्थिक सहयोग है, यानी कि फाइनेंशियल हेल्प, वो इंडिया है, और यहाँ पर प्लास्टिक कम्प्लीटली बैंड है। हम लोगों ने एक छोटा सा ब्रेक लिया, हम लोगों ने सोचा कि कुछ चाय कॉफ़ी ली जाए इन वादियों का मज़ा लेते हुए। आप देख सकते हैं मेरे सामने कैसे बादल पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं, इतना शानदार नज़ारा था कि मैं आपको बयां नहीं कर सकता। वाकई में भूटान बहुत सुंदर है, नो डाउट इसे कंट्री ऑफ लैंडस्केप कहा जाता है। और आप देख सकते हैं ये जो सामने हमारा एक छोटा सा होटल है, उसे भूटनीज आर्किटेक्चर के डिज़ाइन से बनाया गया है, आप देख सकते हैं। ए लॉट ऑफ थिंग कैन हैपन ओवर ए कॉफ़ी। हाँ, यही हुआ, कुछ एक नई चीज़ सीखने को मिली यहाँ के एक लोकल बंदे से, जिसका नाम है GNH, यानी कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस।
भूटान की डेवलपमेंट उसकी जीडीपी पर डिपेंड नहीं करती, उसके जीएनएच पर डिपेंड करती है। मतलब ये कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस जितनी ज़्यादा होगी, भूटान अपने आप को उतना ज़्यादा डेवलप्ड बोलेगा। यदि जीडीपी के स्तर पर जाए तो भूटान सबसे गरीब देशों में से एक है। यहाँ 70% लोग बेरोज़गार हैं, फिर भी लोग खुश हैं। क्यों? क्योंकि खुश होना ही तो एक डेवलपमेंट का प्रतीक माना जाता है। यहाँ पे लोगों को पेड़ लगाने का भी बहुत शौक है, क्योंकि पेड़ लगाना यहाँ पर सुंदरता और सहानुभूति का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए 2015 में भूटान ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड लगाया, जिसमें मात्र एक घंटे में 50,000 पेड़ लगाए गए। कितनी अच्छी बात है ना, अपनी धरती को हरा भरा रखना, अपनी मातृभूमि का ख्याल रखना। भूटान दुनिया का एक लौता देश है जो कार्बन फ्री है। मेरे सामने जो गेट देख रहे हैं वो थिम्फू का एंट्री गेट है। हमें तो आज थिम्फू जाना है नहीं, हमें जाना है पारो। तो पारो के लिए लेना पड़ेगा लेफ्ट। जैसे ही हम लोगों ने लेफ्ट लिया, एक बहुत अच्छा ब्रिज देखने को मिला, जिस पर प्रेयर फ्लैग्स लहरा रहे थे। और स्ट्रेट हमको ब्रिज क्रॉस करना था, और आगे एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था पारो पधारो हमारे देश। ये देखिए सामने आप बोर्ड देख सकते हैं, आपको हाँ जाना है तो लेफ्ट लेना पड़ेगा, और ये रास्ता है पारो का। एक्चुअल में जो एयरपोर्ट है, नियरेस्ट एयरपोर्ट ऑफ भूटान फ्रॉम कैपिटल थिम्फू, वो पारो में बना हुआ है। हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम पहले जाएंगे पारो। गाइस क्या व्यू है यार, वाओ। वो मोनेस्ट्री है, इधर रिवर है, आई गेस दिस इज पारो छू, एंड छू मीन्स रिवर। दिस इज अवर कार एंड द व्यू, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट। ये शानदार नज़ारा देखने के बाद तो बस मुझे एक ही गाना याद आता है, लकी अली का। सुनिए। ऐसी हरकतें हैं हम लोगों की।
हो जाएगा, व्लॉग नहीं बनाए। बात मत करना मुझसे, टाइगर्स नेस्ट आज देख लेते हैं। क्वेश्चन मत करना मुझसे। 2 किलोमीटर में ऑडियो चालू है ना? हाँ। 2 किलोमीटर में एयरपोर्ट है, 7 किलोमीटर में पारो है, 7 मतलब वो है टाइगर्स नेस्ट, वो देख लेते पापा। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि ये है एयरपोर्ट, जस्ट रोड के पैरेलल बना हुआ है और आप देख सकते हैं ये नज़ारा। जस्ट रोड के पैरेलल राइट साइड में एयरपोर्ट बना हुआ है। ये पार्किंग, एयरपोर्ट का पार्किंग है ये। और वाकई में ये रोड्स देखिए, ये पहाड़ देखिए, ये पेड़ देखिए, ये बादल देखिए, आप डिनाई नहीं कर सकते। मैंने सही बोला था, इट्स रियली अ कंट्री ऑफ लैंडस्केप। और फाइनली हम पहुंच गए हमारे डेस्टिनेशन पारो। पारो में हम लोगों ने एयरबीएनबी के थ्रू एक होमस्टे बुक किया था, और होमस्टे बुक करने का कारण मैं आपको बस अभी चंद सेकंड्स में दिखाने वाला हूँ। 3, 2, 1 एंड गो। ये देखिए, ये होमस्टे है यहाँ का। यहाँ के कल्चर के हिसाब से पूरा डिज़ाइन किया हुआ, ये यहाँ के पर्दे बोल सकते हैं, कुछ अलग डिज़ाइन के पर्दे हैं। ये यहाँ के पुराने बर्तन हैं जो यूज़ किए जाते थे पहले। और ये हमारा रूम। अरे गजब, ये बेड है, हीटर भी है, और बैम्बू का बेंच स्टैंड भी है, टेबल है, वुडन टेबल, और ये जेंसा विलेज होमस्टे का ये मैं